नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे प्लग और ब्रेक, ठीक। और दोनों का मतलब क्या होता है, हमारा तोड़ना होता है, ठीक। लेकिन हम कहाँ पर प्लग यूज़ करेंगे और कहाँ पर ब्रेक यूज़ करेंगे, ये हम आज देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको समझने के लिए पहले हमें दो एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक। मान लीजिए पहला हम लिख दिए रोहन broke the glass of the glass, ठीक। और दूसरा एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम सीता plugged flower, ठीक। अब इस दोनों एग्जाम्पल से हम समझेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पर ग्लास है, broke the glass यानी कि ग्लास टूट जाएगा दो तीन पार्ट में, मान लीजिए टूट गया गिलास, ठीक। लेकिन फ्लावर जो हमारा एक ही पार्ट में एक इस चीज़ से अलग होगा, ठीक। यानी कि हम कह सकते हैं जब कोई भी चीज़ टूटने पर दो या तीन खंडों में विभाजित हो जाए वहाँ पर ब्रेक यूज़ करेंगे, और अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो जाए तो वहाँ पर प्लग यूज़ करेंगे, ठीक। और देखिए ब्रेक करने के लिए क्या, किसी चीज़ को तोड़ने के लिए हमें जब ज़्यादा ताकत की, यानी कि मान लीजिए दीवार तोड़ रहे हैं, ठीक। तो क्या मतलब दीवार तोड़ने के लिए कौन सा यूज करेंगे, ब्रेक यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें हम तोड़ने के लिए हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और फल तोड़ने के लिए या फूल तोड़ने के लिए काने का मतलब हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा, तो वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, प्लग यूज़ करेंगे, ठीक। तो और इसकी इस तरह से भी समझ सकते हैं, मान लीजिए जहाँ ब्रेक है, ठीक। देखिए मान लीजिए गिलास जो टूटा वो गलती से टूटा, ठीक, लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं है, समझ रही है ना, यानी कि ब्रेक होने की बाद चीज़ें मतलब बेकार हो जाती हैं, ठीक। लेकिन जब हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं तो उसका यूज करते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए फ्लावर तोड़े हम, या फूल तोड़े, या फल तोड़े हम, ठीक, तो वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, प्लग यूज़ कर रहे हैं। या इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब हम किसी नेचुरल चीज़ को, देखिए फ्लावर को, फ्लावर फ्रूट तोड़ने और स्टार ये चांद तारे तोड़ने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इन तीनों के लिए ही बस प्लग आता है, ठीक। इन तीनों के लिए ही बस प्लग आता है बस, और बाकी लिए हमारा ब्रेक ही आता है, ठीक। अब जैसा समझना चाहें, यानी कि देखिए यहाँ पर रोहन ब्रोक द ग्लास, यानी कि जब ग्लास टूटेगा तो दो तीन खंड में विभाजित हो जाएगा, लेकिन फ्लावर जब तोड़ेंगे तो वो हमारा फ्लावर नहीं टूटेगा, लेकिन वो क्या हमारा किसी मान लीजिए डाली से अलग हो जाएगा, ठीक। लेकिन और जब ग्लास टूटेगा तो वह कहने का मतलब बेकार हो जाएगा, ग्लास टूट गया यानी कि उसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक, इस तरह समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम फ्लावर तोड़ेंगे या मैंगो, तो मान लीजिए हम कह रहे हैं कि आम तोड़ा, तो यानी कि कुछ या खाने के लिए तोड़ा है, या फूल तोड़ा है तो चढ़ाने के लिए तोड़ा है, या किसी को देने के लिए तोड़ा है, ठीक, तो इसका यूज़ है। लेकिन ये क्या, ये बेकार हो जाता है, और इसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगता है, और इसको तोड़ने के लिए कम फोर्स लगता है, और इसको इस चीज़ से समझ सकते हैं कि ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। जैसे हमारा कोई भी हो गया, चेयर हो गया, स्टिक हो गया, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, और ये क्या है, ये सब फ्लावर फ्रूट स्टार ये क्या है, हमारा नेचुरल चीज़ है, ठीक, या लिविंग थिंग्स है, इसको कह सकते हैं, ठीक। तो समझ में आइए क्या होगा आज। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।